हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट इयर्स में बोर्ड एग्जाम में आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन fx इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन दिया हमारे पास, कंटीन्यूअस गिवन है, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। इस टाइप की क्वेश्चंस लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। फंक्शन हमारे पास कंटीन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा। हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा इसका मतलब 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा और 10 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है, क्यों 2 पे कॉन्टिन्यूस है? क्योंकि फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा तो 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है? जब लेफ्ट लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पे और राइट लिमिट उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है 2 पे, तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट फंक्शन की 2 पे और राइट लिमिट फंक्शन की 2 पे, 2 पॉजिटिव लगा देंगे राइट लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लगा देंगे 2 के ऊपर माइनस, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यही हमने डेफिनेशन की थी कॉन्टिन्यूटी की। ये सेम क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 में गिवन है। 2 पे कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब लेफ्ट लिमिट 2 पे, राइट लिमिट फंक्शन की 2 पे और वैल्यू फंक्शन की 2 पे इक्वल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने 2 ही क्यों लिया, 3 पॉइंट क्यों नहीं लिया, 3 पे भी कॉन्टिन्यूस है। भाई 3 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, 2 पे इसलिए लिया क्योंकि 2 पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। 2 पे लेफ्ट लिमिट भी निकाल सकते हो आप, राइट लिमिट भी निकाल सकते हो। देखिए कैसे, fx किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। कब? x 2 से लेस है, इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। 2 से फंक्शन मेरा x की वैल्यू 2 से लेस का मतलब है माइनस इनफिनिटी से लेकर 2 तक x की कोई भी वैल्यू है तो fx इक्वल टू 5, यानी कि y की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। फंक्शन एक तरीके से डिफाइन हो गया। आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से लेकर 2 तक कोई भी ले लें तो y क्या आएगा, 5। जैसे जस्ट लाइक देखें, यहाँ पे 2 है और माइनस इनफिनिटी, तो यहाँ पे 5। ग्राफ तो ड्रॉ करना आता है, y इक्वल टू 5 है तो यहां तक ऐसे आ जाएगा ग्राफ, y किसके इक्वल है, 5 के इक्वल आ गया ना ग्राफ। फिर 2 से लेकर 10 तक फंक्शन मेरा क्या हो गया, ax प्लस bk। 2 से लेकर 10 तक फंक्शन मेरा चेंज हो गया, ax प्लस bk इक्वल हो गया, तो फंक्शन का ग्राफ कोई और आएगा, कुछ और आएगा 2 से लेकर 10 तक। तो कहां पे चेंज हो रहा है, 2 पे चेंज हो रहा है, इसलिए 2 पे लेफ्ट लिमिट 2 से इधर की तरफ और राइट लिमिट निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने 2 पे कंटिन्यूस लिया। जहां पे चेंज होगा फंक्शन वहीं पे आपने लेना है। अब 10 से ग्रेटर, 10 से इंफिनिटी तक मेरा जो फंक्शन है क्या है, एफ एक्स किसी बोले 21 के। कहां पे चेंज हो रहा है, 2 पे चेंज हो रहा है और 10 पे चेंज हो रहा है, यानी कि 2 और 10 पे चेंज हो रहा है, तो आप उन्हीं का यूज करेंगे जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है। या ये कहें, ये एंड पॉइंट्स देख लो आप, 2 से बड़ा 2 से छोटा, 10 एंड पॉइंट 2 और 10 है, वही हमने लेने हैं। तो लेफ्ट लिमिट 2 पे, इसकी बनाने की जरूरत नहीं हमें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, fx क्या लेंगे हम, 2 से लेस, फंक्शन तो हमारे 3 है तो लेंगे कौन सा, 2 से कम। 2 से कम के लिए फंक्शन मेरा fx किसके इक्वल है, 5 के। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट, fx 2 से बड़ा है, x मेरा 2 से बड़ा है तो x, फंक्शन क्या है मेरा, ax प्लस b, तो ये लेंगे आप इक्वल टू f2, यानी कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे। आप शुरू से 7th 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं, सपोज फंक्शन हमारा है x स्क्वायर, सपोज, और मैंने वैल्यू निकाली f2 पे, कैसे निकालते हो आप, 2 की स्क्वायर 4 आ गई ना, फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे कितनी आ गई 4। तो f2 निकालने के लिए मुझे फंक्शन तो पता होना चाहिए, तभी तो हम x की वैल्यू रखेंगे f2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन ये है, इसमें तो कोई x है ही नहीं, 5, ठीक है। यानी कि फंक्शन x अगर हमारा 2 होगा इक्वल है ना, इसलिए किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल। तो यहां पे तो x है ही नहीं, तो कॉन्स्टेंट ही रह जाएगी, लिमिट अप्लाई करेंगे हम। आपको पता है कोई भी, जैसे x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट या राइट, और कोई कॉन्स्टेंट है k, तो
तो लिमिट क्या रह जाती, के ही रह जाती है कॉन्स्टेंट, इसकी लिमिट क्या आती है, के ही आती है। तो यहां पे क्या आ गया, फाइव। और इस पे एक्स को डायरेक्ट टू पुट कर देंगे, चाहे लेफ्ट लिमिट निकाले चाहे राइट लिमिट, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है तो एक्स को हम डायरेक्ट पुट कर दिया हमने, टू एक्स सॉरी टू ए हो जाएगा, एक्स को हम टू पुट करेंगे तो टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव, यानी कि टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव, एक इक्वेशन आ गई हमारी ए और बी में। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन आ जाएगी ए और बी में। अब एफ एक्स किस पे कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टेन, तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट 10 पे और राइट लिमिट फंक्शन की 10 पे और वैल्यू फंक्शन की 10 पे, तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे। यहां से एक इक्वेशन और आ जाएगी हमारी ए और बी में, तो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स 10 से लेस है, 10 से लेस, 10 से लेस यहां पे एक्स, तो फंक्शन हम ये लेंगे ए एक्स प्लस बी। एक्स 10 से बड़ा है, फंक्शन 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है एक्स, तो 21 इज इक्वल टू एफ 10, फंक्शन की वैल्यू 10 पे, एफ 10 तो किसके 21 की, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया 21, तो इसका मतलब यहां पे 10 पुट करेंगे डायरेक्ट, 10 ए प्लस बी किसके को आ गए 21 के। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 21, इसमें से ये इक्वेशन हमने क्या कर दी माइनस, तो बी से बी कैंसल, यहां पे आ गया 8 ए इज इक्वल टू 16, ए कितना आ गया 2। ये ए की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें या फर्स्ट में, वन में पुट कर देते हैं, पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ए की 2 पुट की, 2 2 जा 4, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 3ax प्लस b इफ x इज ग्रेटर देन 1, और फंक्शन की वैल्यू 11 की इक्वल है इफ x इज इक्वल टू 1, और इफ x इज लेस देन 1 तो फंक्शन है हमारा af 5ax माइनस 2b। फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1, फाइंड a एंड b। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये 2012 कंपार्टमेंट दिल्ली और 2011 ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2010 में आया है। देखिए जैसे कि मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट फंक्शन की 1 पे और राइट लिमिट फंक्शन की 1 पे, जो पॉजिटिव लगाया है ये राइट लिमिट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 के ऊपर माइनस जो लगाया है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तीनों इक्वल होंगे। x मेरा 1 से लेस है तो फंक्शन मैं कौन सा लूं, तीन फंक्शन है यहां पे, x मेरा 1 से लेस है, 1 से लेस है तो फंक्शन है मेरा 1 से लेस है, यहां पे ये फंक्शन लेंगे आप 5ax माइनस 2b इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट, x 1 से बड़ा है तो है 3ax प्लस b इज इक्वल टू f 1, फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे, x अगर हमारा 1 है तो फंक्शन 11 है, x अगर 1 है तो 11 है, तो यहां पे 1 पुट करेंगे 5a इंटू 1 माइनस 2b इज इक्वल टू, यहां पे भी x को डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे आप, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो आप क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है आपको पता है, तो आप वहां पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, चाहे लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हो चाहे राइट लिमिट निकाल रहे हो 11, तो ये हो गया 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, तो इससे हमें क्या मिला 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 और 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर ही सकते हैं आप, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको कर देते हैं 1 से, कोफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, और ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई किया 6a
और प्लस 2b इक्वल टू 22 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 11 ए और ये आ गया 33, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, बेटर है सेकंड में पुट कर दें, पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो 2 पुट किया हमने, सॉरी 3 पुट किया a को, तो 3 3 9, तो b कितना आ गया 9, राइट हैंड साइड जाएगा 11 माइनस 9 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड a एंड b इफ fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया था अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी देखिए 2010 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, a और b की वैल्यू निकालनी है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, खुद करना है आपने, और इसका मैं हिंट दे रहा हूं, इसके जो आंसर आएंगे a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू -2 आएगी। फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसका मतलब हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस होगा, इसका मतलब 2 पे भी कंटीन्यूअस, 5 पे भी कंटीन्यूअस, तो 2 पे भी कंटीन्यूअस लेंगे हम, एक इक्वेशन वहां पे बन जाएगी हमारी a और b में, 5 पे भी कंटीन्यूअस है, एक इक्वेशन वहां पे बन जाएगी हमारी a और b में, दोनों को सॉल्व कर लेंगे a और b की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, fx दिया हमारे पास फंक्शन, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, fx फंक्शन हमारा ये डिफाइन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx, जो फंक्शन है जिन जिन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट्स हमें निकालने हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 to 16 एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन डिक्टो एनसीईआरटी बुक में है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखा हो या चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो हमने इसी प्रोसीजर से करना है इक्वेशन। देखिए पहले हम x इक्वल टू -3 और 3 दोनों पे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। देखिए x -3 से लेस है तो फंक्शन कैसा है, मोड x +3, माइनस इनफिनिटी से 3 तक फंक्शन का ग्राफ एक जैसा आएगा, और -3 से लेकर 3 तक फंक्शन हमारा कैसा, पॉलिनोमियल फंक्शन, fx इक्वल टू -2x, यहां से लेकर -3 से लेकर 3 तक एक जैसा ग्राफ आएगा, और 3 से इंफिनिटी तक ग्राफ एक जैसा आएगा, फंक्शन यहां पे 6x+2 है, तो फंक्शन कहां पे चेंज हो रहा है, -3 पे और 3 पे चेंज हो रहा है। तो पहले इन पॉइंट को चेक कर लेते हैं, -3 को चेक किया कि यहां पे कंटीन्यूअस है या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ये तो हो गया पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले -3 पे, तो ऊपर लगा दिया माइनस, -3 से छोटा है x, तो ये है हमारा फंक्शन मोड x+3, तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है मोड x+3, आपको पता है मॉडल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन है वो भी कंटीन्यूअस होता है, और दो फंक्शन का सम भी कंटीन्यूअस होता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, एक्स को -3 पुट कर दिया, -3 का मोड 3 ही होगा, 6 आ गया। सिमिलरली -3 पे राइट लिमिट, तो -3 से बड़ा है एक्स यहाँ पे, तो -3 से बड़ा है एक्स, तो यहाँ पे देखें तो क्या है हमारा -2x, तो यहाँ पे एक्स को -3 पुट करेंगे तो ये भी 6 आ गया, और फंक्शन की वैल्यू -3 पे x -3 यहां पे है इक्वल, तो ये हुआ हमारा फंक्शन fx इक्वल टू मोड x+3, कब हुआ, जब x मेरा -3 है, तो -3 पे वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, तो -3 + 3 6 आ गया, तो देख सकते हैं आप लेफ्ट राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू -3 पे इक्वल है, तो फंक्शन हमारा 3 पे कंटीन्यूअस है, -3 पे। इसी तरह हम 3 पे निकाल लेंगे, 3 पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, 3 से छोटा फंक्शन ये ले लेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे 3 से ज्यादा x की वैल्यू, तो फंक्शन हमारा ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आएगी, राइट हैंड लिमिट हमारी 20 आ रही है, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन यानी कि 3 पे कंटीन्यूअस नहीं है, तो 3 हमारा जो पॉइंट आ गया डिसकंटिन्यूटी का आ गया, ये तो आपको पता है पहले भी ये तरीका करना, बट यहां पे एक चीज और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, वो क्या है, देखिए
जहां पे भी ये आ जाए फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या चेक द कंटिन्यूटी। अब इस फंक्शन की जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, कैसे माइनस तीन से लेकर माइनस इंफिनिटी तक फंक्शन डिफाइन है, माइनस तीन से तीन तक भी, तीन से इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक फंक्शन डिफाइन है, सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन है। हमें इस डोमेन के हर पॉइंट को चेक करना है, यानी कि हर पॉइंट पे देखना है कहां कहां पे कंटिन्यूस है कहां पे कंटिन्यूस नहीं है। सिर्फ दो ही पॉइंट चेक हुए तो वो काम करने से पहले आप ये लिखेंगे केस वन, सिर्फ ऊपर वाले की चीटिंग करनी है आपने, बस ये जो लिखा हुआ है समझना है आपने। पहले हमने वो पॉइंट ले लिए जो माइनस तीन से लेस है, एक्स माइनस लेस देन एक्स लेस देन माइनस तीन, इक्वली लिखना माइनस तीन से लेस है, तो फंक्शन कैसा मेरा मोड एक्स प्लस थ्री ये है। जब एक्स मेरा माइनस तीन से लेस है इसका मतलब मैं सभी पॉइंट्स ले रहा हूं जो माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स सभी पे चेक हो रहा है, फंक्शन इस टाइप का होगा माइनस इनफिनिटी से माइनस तीन तक। आप ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कहीं पे भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगा ग्राफ पे, यानी कि कहीं पे भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन बिना ग्राफ कैसे देखेंगे, मॉडुलस कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होता है, विच इज द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस एफएक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन। सिंस एफएक्स इज द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एक्स लेस देन माइनस थ्री। केस सेकंड, ये पॉइंट्स आ गए जो माइनस तीन से लेस है, फिर हम वो पॉइंट्स ले रहे हैं जो माइनस तीन और तीन के बीच में है, तो फंक्शन कैसा है हमारा माइनस टू एक्स, विच इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन, आपने लिखना है ना पॉलीनोमियल फंक्शन, हेंस कंटिन्यूअस फॉर एक्स लाइज बिटवीन माइनस थ्री एंड थ्री। केस थ्री, तीन केस क्यों बने, क्योंकि जो फंक्शन की जो डोमेन है तीन इंटरवल में डिवाइड हो रही है, एक दो तीन। अब हम वो पॉइंट ले लेंगे जो तीन से ज्यादा है, एक्स ग्रेटर देन थ्री। क्वेश्चन नंबर छह से लेकर सोलह तक आपने ऐसे ही लिखना है इन्हीं को देखते हुए, जितने इंटरवल्स में हमारी डोमेन डिवाइड होगी। अब हम वो पॉइंट्स ले रहे हैं, वो एक्स ले रहे हैं जो तीन से ज्यादा है, फंक्शन कैसा है सिक्स एक्स प्लस टू, ये भी पॉलीनोमियल है, तो पॉलीनोमियल फंक्शन है तीन से लेकर इंफिनिटी तक। फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे कहीं पे भी आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, विच इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन थ्री। अब आप देख सकते हैं मैंने डोमेन के हर पॉइंट को चेक कर लिया, सिर्फ बचे कौन से माइनस तीन, यहां पर इसलिए इक्वल नहीं लगाया क्योंकि यहां पर फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है, माइनस तीन और तीन पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो ग्राफ चेंज हो सकता है, यहां पे हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, तो सभी पॉइंट्स मैंने चेक कर दिए कौन सा बचा माइनस तीन और तीन, तो ये आपको करके दिखाना जरूरी है। माइनस तीन और तीन पे यहां पे चेक कर पहले ये करेंगे फिर आप ये करेंगे, आप देखिए अब कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, तीन पे। अगर मान लो इन पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस आ जाता है तो आप बोलेंगे कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, बट तीन पे x इज इक्वल टू थ्री पे क्या आ रहा है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू थ्री इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि हमें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड के इफ fx इज इक्वल टू, फंक्शन हमारे पास ये गिवन है k की वैल्यू निकालनी है, अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट 0 पे राइट लिमिट 0 पे और फंक्शन की वैल्यू 0 पे तीनों इक्वल होंगे। देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जीरो पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, तो एक्स जीरो से छोटा है इसका मतलब फंक्शन हम कौन सा लेंगे, फंक्शन एक्स जीरो से लेस है तो फंक्शन ये लेंगे, तो ये ले लिया हमने। अब यहां पे अगर हम एक्स को डायरेक्ट जीरो पुट करके देखें, आप एक्स को जीरो पुट किया तो रूट वन
ये वन वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है, चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट हो, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म आती है तो आप रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट या डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में या दोनों में अगर स्क्वायर रूट है और जीरो बाई जीरो फॉर्म आती है तो आप रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। यहां पे हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, यहां पे माइनस है ना, यहां पे प्लस हो जाएगा बीच में, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस के एक्स प्लस रूट वन माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी, यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर, a की स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट वन प्लस के एक्स की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो रूट वन माइनस के एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या बचेगा, वन प्लस के एक्स। सिमिलरली माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस के एक्स रूट वन माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो वन माइनस के एक्स आ जाएगा, डिवाइड बाई एक्स इंटू दिस। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन माइनस माइनस प्लस के एक्स हो जाएगा, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, के एक्स इन प्लस के एक्स टू के एक्स आ जाएगा, नीचे एक्स है और ये एज इट इज, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जिसके कारण जीरो बन रहा है डिनोमिनेटर में, किसके कारण जीरो बन रहा है, एक्स को डायरेक्ट जीरो पुट करो, तो इस एक्स के कारण हमारा डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है, तो श्योर है आगे जाके रैशनलाइज कर रहे हो आप, ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, देख लो कैंसिल हो गया, इसी के कारण डिनोमिनेटर में हमारा जीरो बन रहा था, तो एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा टू के और नीचे बचा ये। अब आप डायरेक्ट जीरो पुट कर दो एक्स को, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट जीरो पुट कर देंगे, टू के वाई तो वन प्लस के इंटू जीरो, तो उसके रूट वन आ गया, वन का उसके रूट वन होता है, तो वन प्लस वन टू, तो टू के वाई टू के आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट, पॉजिटिव का मतलब राइट, तो एक्स जीरो से बड़ा है तो फंक्शन है हमारा ये, तो एक्स को जीरो पुट कर दिया डायरेक्ट, जीरो प्लस वन वन बाई माइनस वन आ गया, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है जीरो पे, तो कॉन्टिन्यूअस है जीरो पे, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू जीरो पे तीनों इक्वल होंगी, तो लेफ्ट लिमिट हमारी ये आई है के और राइट हैंड लिमिट की आई माइनस वन, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे एफ जीरो, तो फंक्शन कौन सा हमारा ये जीरो पे, और तो जीरो पुट करेंगे तो वही आ जाएगा जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, तो इसका मतलब के किसके इक्वल आ गया माइनस वन के, और यही हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, आपने शो करना ये कॉन्टिन्यूअस है जीरो पे, कॉन्टिन्यूअस शो करने के लिए जीरो पे लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट निकालेंगे जीरो पे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे जीरो पे, अगर तीनों इक्वल है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं जीरो पे, एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, तो एक्स जीरो से लेस है तो फंक्शन हमारा कैसा है ये वाला, तो यहां पे x को डायरेक्ट जीरो पुट करो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, x को जीरो पुट किया डायरेक्ट स्क्वायर रूट वन बचा, और स्क्वायर रूट वन का वन आता है वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई जीरो, तो रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज वन माइनस है ये फंक्शन, तो वन प्लस से हो जाएगा, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो फोर इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की स्क्वेयर और माइनस बी की स्क्वेयर, ऐसा कुछ हो जाएगा, वन आ गया और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो वन माइनस एक्स आ गया अंदर, और एक्स इंटू दिस, यहां पे इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा माइनस वन से कट जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा, तो फोर इंटू एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जिसके कारण डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है, किसके कारण बन रहा था, एक्स के कारण बन रहा था ना, रैशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो वो कट जाएगा, कट गया ना एक्स हमारा, तो ऊपर बचा 4, नीचे बचा 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स, अब x को आप डायरेक्ट 0 पुट कर दो, x को 0 पुट कर दिया तो रूट 1 माइनस 0, तो रूट 1 का 1 आता है, 1 प्लस 1 2, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई 2, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पे, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट, तो फंक्शन हमारा क्या है देखिए, fx 0 से बड़ा ये है, sin x / x + cos x,
साइन एक्स अलग अलग पे लिमिट हो जाएगी, अलग अलग पे करना है अलग अलग पे कर दो, अदरवाइज एज इट इज रहने दो। आपको पता है स्टैंडर्ड लिमिट पता है साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन होता है भाई, पता है ना। किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हो और दोनों की जो कॉमन वैल्यू होती है वही फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट होती है। लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो पे वन है तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट जीरो पे और राइट लिमिट जीरो पे वो भी कितनी होगी, वन होगी। तो इसलिए जीरो प्लस एक्स पुट करने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स बाई एक्स एक्स अप्रोच टू जीरो वन होता है तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट भी वन होगी। और कोस एक्स की भी स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, स्टैंडर्ड लिमिट जो कोस एक्स की होती है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कोस एक्स वो वन होती है भाई। और यहां पे आप डायरेक्ट जीरो पुट भी कर सकते हो, कोस जीरो क्या होता है वन, यहां पे नहीं पुट करेंगे ये तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी ये स्टैंडर्ड लिमिट यहां पे, और इसकी भी आप स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो, यहां पे पुट करना चाहो आप पुट कर सकते हो। एक्स को जीरो पुट करेंगे कोस जीरो वन होता है, या स्टैंडर्ड यूज करना चाहे लिमिट लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कोस एक्स क्या होता है वन, तो वन प्लस वन टू। और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे एफ जीरो कितना है टू, देख सकते हैं आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन की और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे तीनों इक्वल है तो फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर एट, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, फंक्शन मेरा इस तरीके से डिफाइन है और ये गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, और ए की वैल्यू निकालनी है, कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब लेफ्ट लिमिट जीरो पे राइट लिमिट जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो पे तीनों इक्वल होंगे, तीनों को इक्वल रख देंगे वहां से हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। पहले देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, एक्स जीरो से लेस है तो फंक्शन हमारा ये है, पुट कर दिया। एक्स को आप डायरेक्ट जीरो पुट करके देखें, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो आप डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हैं, रियल वैल्यू अगर आती है वही रियल वैल्यू फंक्शन की लिमिट कहलाएगी। एक्स को जीरो पुट किया कोस जीरो वन होता है, वन माइनस वन ऊपर आ गया जीरो, और डिनोमिनेटर में जीरो बन गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गई, इसलिए आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इसलिए हम इसको ऐसे फंक्शन में चेंज करेंगे, या तो हम डायरेक्ट जीरो पुट करें कोई रियल वैल्यू आ जाए, या स्टैंडर्ड लिमिट बन जाए। स्टैंडर्ड लिमिट आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की, साइन एक्स बाई एक्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो फॉर एग्जाम्पल वन होता है ना, यहाँ पे थीटा एक्स है, यहाँ पे थीटा हमारा एंगल कुछ भी हो, एक्स की जगह टू एक्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में एंगल 2x है तो डिनोमिनेटर में भी 2x होना जरूरी है। देखिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां पे जो भी एंगल होता है कोस के साथ उसका आधा हो जाता है, तो 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इसका आधा हो गया। यहां पे साइन के साथ जो एंगल है मेरा 2x है, तो इस फॉर्म में स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए साइन एक्स बाई एक्स, देखिए हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर 2x, ये साइन 2x की होल स्क्वायर बनेगा 4x की स्क्वायर बनेगा, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड। देखिए ऐसा क्यों किया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट टू 4 जा 8, ये बन गया मेरा साइन 2x बाई 2x की होल स्क्वायर। जो आपको ये एंगल देखना है इस एंगल का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 4x की स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में मुझे 4x की स्क्वायर चाहिए, तो x की स्क्वायर तो था तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2x बाई 2x की होल स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट मेरी 1 बन जाएगी, ठीक है। और इसको थोड़ा और आसान करना चाहते हैं तो आप कैसे करें, जैसे ये मेरा साइन स्क्वायर 2x था, इसको मैं दो बार लिख सकता हूं, ठीक है, ये x की स्क्वायर है, एक x इसके साथ लगा दिया, एक x मैंने इसके साथ लगा दिया, साइन थीटा बाई थीटा 1 होती है लिमिट, यहां पे थीटा मेरा 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से यहां पे भी सॉरी डिवाइड किया, यहां पे भी अब डिवाइड कितना करा आपने एक्स्ट्रा 4 करा है, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये लिमिट वही साइन 2x बाई 2x की होल स्क्वायर ही तो बन रहा है, ये भी 1 बनता है, ये भी क्या बनेगा 1 बनेगा, स्टैंडर्ड लिमिट साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, 4 2 जा 8 साइन 2x बाई 2x की होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, और ये स्टैंडर्ड लिमिट
साइन थीटा बाई थीटा वन होता है, ये आ गया एट। सिंस लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जीरो लिखी है, थीटा अप्रोचिज टू जीरो, साइन थीटा बाई थीटा वन होता है, ठीक है। यह आगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जीरो पे, जीरो से बड़ा है फंक्शन मेरा ये है रूट एक्स बाई रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम सॉरी राइट, रूट एक्स बाई एक्स को देखें आप जीरो पुट करें डायरेक्ट, जीरो पुट किया तो ऊपर बन गया जीरो और नीचे बना स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस जीरो यानी कि 16 बचा, रूट 16 का कितना होगा 4, 4 माइनस 4 जीरो, जीरो बटा जीरो फॉर्म बन रही है, इसलिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स, दो टर्म है और माइनस के यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 4, इससे हम क्या कर देंगे इसको रैशनलाइज। रूट एक्स यहां पे ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए की स्क्वायर और माइनस बी की स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो फ्रॉम राइट, रूट एक्स स्क्वायर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और यहां पे इसको सॉल्व करेंगे 16 प्लस रूट एक्स बचा और माइनस 16 ये कट जाएगा, क्या बचा रूट एक्स बच जाएगा हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया था जिसके कारण जीरो बन रहा है, रूट एक्स के कारण जीरो बन रहा था, ये कैंसिल हो रहा है, देखो कैंसिल हो गया, अब एक्स को डायरेक्ट जीरो पुट कर दो, एक्स को डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे, रूट 16 प्लस जीरो, रूट 16 बचेगा प्लस 4, 4 प्लस 4 8 आ गया हमारे पास। इसको यहां पे रख कर दें, लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई हमारे पास 8, राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई हमारे पास 8, और फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे कितनी है 8। कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट फंक्शन की और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे इक्वल होंगे, लेफ्ट लिमिट 8 आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन हमारा ये डिफाइन है इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ए की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी कि फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है, ए की वैल्यू निकालनी है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एक्स अप्रोच टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, यानी कि एक्स लेस देन जीरो है, तो फंक्शन हमारा ये है। यहां पे देखें एक्स को डायरेक्ट जीरो वैल्यू पुट करके, एक्स को जीरो पुट किया जीरो प्लस वन, तो साइन पाई बाई टू वन होता है, आ गई वैल्यू हमारे पास ए आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की आ गई ए। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट, तो जीरो से बड़ा है एक्स, तो फंक्शन हमारा ये है टेन एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब। इलेवेंथ में क्या है इस टाइप के आपने लिमिट निकाली है, टेन एक्स को लिख सकते हैं, अभी देखिए जीरो मैं डायरेक्ट पुट करता हूं तो टेन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, इसलिए आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लिमिट में लाना पड़ेगा हमें, तो टेन एक्स साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख सकता हूं, साइन एक्स एज इट इज बाई एक्स क्यूब, यहां से कोस एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा, और नीचे आएगा कोस एक्स यानी कि कोस एक्स इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। यहां पे देखिए साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बचा वन माइनस कोस एक्स बाई कोस एक्स इंटू एक्स क्यूब। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो ये एक्स क्यूब है, एक यहां से एक्स निकाल लो, साइन एक्स बाई एक्स स्टैंडर्ड लिमिट होती है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहां पे टेन एक्स बाई एक्स बना लू, वो भी स्टैंडर्ड लिमिट होती है, वन होती है, देखिए कैसे, साइन एक्स बाई कोस एक्स, ये बन गया मेरा टेन एक्स, वन माइनस कोस एक्स बाई एक्स क्यूब है, एक एक्स में इसके साथ एडजस्ट कर दूंगा, कैसे, इसको लिखूंगा मैं टेन एक्स और एक एक्स में यहां पे ले आया इसके साथ एक्स, तो वहां पे मेरा क्या बचा वन माइनस, इस पे स्टैंडर्ड लिमिट लग जाएगी, क्या होता है ये वन होता है। अब इसको भी आपने सॉल्व करना है, अदरवाइज यहां पे आप
अभी भी डायरेक्ट जीरो पुट करो आप, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट वन हो गई, बट ये क्या बन रहा है, कोस जीरो वन होता है, वन माइनस वन जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो इसको भी आप स्टैंडर्ड लिमिट में कैसे चेंज करेंगे, ये तो हमारा वन बन जाएगा, अभी एक साथ लगा देंगे लिमिट सब पे, तो वन माइनस कोस एक्स टू साइंस वन माइनस कोस थीटा टू साइंस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, और एक्स स्क्वायर इसी टाइप का हमने पहले भी किया था, वन माइनस कोस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, थीटा हमारा कुछ भी हो यहां पे एक्स है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्स बाई टू है, इसका स्क्वायर करो कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई फोर, तो नीचे भी मुझे एक्स स्क्वायर बाई फोर चाहिएगा, तो मैं क्या कर देता हूं, फोर से डिवाइड कर देता हूं, फोर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में ही, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट टेन एक्स बाई एक्स, ये तो हमारा वन ही बन गया, इस पे लिमिट लगा देता हूं वन, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट, तो इस पे रहेगी लिमिट सिर्फ हमारी, तो टू बाई फोर इंटू साइन एक्स बाई टू बाई एक्स बाई टू की होल स्क्वेयर, क्योंकि साइन स्क्वेयर था ना, और मैंने पहले दूसरा तरीका भी बताया था, आप इसको दो बार लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू, तो यहां पे थीटा क्या है मेरा x बाई टू, तो डिनोमिनेटर में भी थीटा क्या चाहिएगा आपको, x बाई टू चाहिएगा, और यहां पे भी क्या चाहिएगा x बाई टू, तभी तो वन बनेगा ये, ठीक है। अब आपने एक्स्ट्रा, पहले हमारा ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर तो दो दो से मल्टीप्लाई भी करोगे भाई, डिवाइड कर रहे तो टू टू जा फोर, वही हमने क्या करा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, फोर से डिवाइड डिनोमिनेटर में, फोर से क्या करा मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वही बन जाएगा हमारा साइन एक्स बाई टू, x by 2 sin x by 2 x by 2 इसकी पावर 2 बन गई, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट हमारी 1 बन रही है, तो ये हो गया हमारा 1 by 2, तो ये तो 1 हो गया, 1 by 2 into 1, तो 1 by 2, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली हमने, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, फंक्शन की वैल्यू 0 पे, x is equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, x को फंक्शन हमारा ये x is equal to 0 पे, तो x को डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, a into sin pi by 2, 1 आ जाएगा, तो a इंटू वन, तो a आ गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, तो लेफ्ट लिमिट क्या आई है, अभी हमने सॉल्व किया था a, राइट लिमिट क्या आई है 1 बाई टू, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे a, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल रखेंगे, तो a हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाई टू के। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, fx हमें गिवन है, ये फंक्शन हमें गिवन है, fx continuous at x is equal to pi by 2 पे हमें given है, p और q की वैल्यू निकालनी है, देखिए continuous है pi by 2 पे, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगे, तो पहले लेफ्ट लिमिट निकालते हैं pi by 2 पे, तो x pi by 2 से लेस है तो फंक्शन हमारा ये है, पुट कर दिया हमने, आप देख सकते हैं x को डायरेक्ट pi by 2 पुट करते हैं तो 0 by 0 फॉर्म बन रही है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद कोई रियल वैल्यू आनी चाहिए, तो 1 को समझ सकते हैं 1 की क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे फैक्टराइज करेंगे a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां पे 1 का मतलब 1 क्यूब और साइन x की होल क्यूब, यहां पे a है हमारा 1 और b है हमारा साइन x, तो फॉर्मूले पे लगा दो a माइनस b 1 माइनस साइन x, a की स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर 1 और प्लस b की स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर x प्लस a इनटू b यानी कि sin x इनटू 1 sin x आ गया, और नीचे cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे a माइनस b a प्लस b, तो देखो कैंसिल हो गया ना, यहां पे फैक्टराइजेशन का काम कर गया, फैक्टराइज फैक्टर्स बन गए ऊपर न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर के, तो ये जो कॉमन कैंसिल आया है, ये कैंसिल होने के बाद आप अब x को डायरेक्ट पाई बाई टू पुट करके देखो तो रियल वैल्यू आ जाएगी, x को पाई बाई टू पुट किया, यहां पे पाई बाई टू पुट किया, पाई बाई टू पुट किया, साइन स्क्वायर पाई बाई टू, वन होता है 90, 1 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 प्लस 1 2, 3 इंटू 2, 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2 आ गया। सिमिलरली यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, पाई बाई टू से बड़ा है तो फंक्शन हमारा ये है, अब x को पाई बाई टू डायरेक्ट पुट करके देखो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो यहां पे हमारे पास कोई फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं हो रहा, ना ही हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में है कि जिससे कि हम रैशनलाइज करें, तो क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h,
अगर लेफ्ट होता माइनस होता तो पाई बाई टू माइनस एच पुट करते, यहां पे प्लस है यानी कि एक्स पाई बाई टू से क्या है बड़ा है, पाई बाई टू प्लस एच, तो यहां पे क्या हो जाता है एच अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, क्यू वन माइनस साइन पाई बाई टू प्लस एच पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच की होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो क्यू वन माइनस साइन 90 प्लस थीटा, कोस थीटा होता है यहां से पाई, इस टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा पाई माइनस टू एच की होल स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा और माइनस टू एच की स्क्वायर का मतलब 4h की स्क्वायर। सिमिलरली इसको हम जैसे हमने पहले भी किया है, ये काफी क्वेश्चन में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, 1 माइनस कोस एच बाई 4h की स्क्वायर, यहां पे क्यू बाई 4 तो कॉन्स्टेंट है तो 1 माइनस कोस एच 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एच बाई 2, नीचे बचा एच स्क्वायर। जैसे कि मैंने बताया है यहां पे एंगल एच बाई 2 बन रहा है तो हमें एच नीचे चाहिए उसका स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहां पे ये बनाना है हमें साइन एच बाई 2 बाई एच बाई 2 की होल स्क्वायर बनाना है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है एच स्क्वायर बाई 4 आ रहा है ना, तो एच स्क्वायर बाई 4, तो 4 से मैं डिवाइड कर देता हूं, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जैसे कि मैंने बताया आप इसको दो बार भी लिख सकते हैं साइन एच बाई 2 मल्टीप्लाई, देखिए कैसे लिख सकते हैं मैं बता देता हूं आपको दोबारा फिर, साइन एच बाई 2 और मल्टीप्लाई साइन एच बाई 2, अब साइन थीटा बाई थीटा, नीचे थीटा चाहिएगा तो यानी कि एच बाई 2 चाहिए मुझे, बट नीचे तो एच इंटू 2 एच है ना, एच और एच है तो मुझे क्या चाहिए एच बाई 2, तभी तो ये 1 बनेगी लिमिट, और यहां पे भी एच बाई 2 चाहिए तो नीचे क्या चाहिए मुझे एच स्क्वायर बाई 4 चाहिए, ठीक है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पे देखो ये एंगल एच बाई 2 है, इसका स्क्वायर करो एच स्क्वायर बाई 4, तो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई, ये आ गया मेरे पास यहां से 2 क्यू बाई 4, 4 जा 16, ठीक है 2 क्यू बाई क्यू बाई 8 आ गया, और यहां पे मैंने लिख दो साइन एच बाई 2 एच बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां पे थीटा भाई मेरा एच बाई 2 है और यहां पे साइन स्क्वायर जा रहा है, सो साइन थीटा की जब होल स्क्वायर करेंगे ना तो नीचे भी थीटा की होल स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर बाई 4 चाहिएगा, तो ये 1 बन गया, तो क्यू बाई 8 इंटू 1, तो क्यू बाई 8 आ गया, और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 है तो क्या है पी, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन की और वैल्यू पाई बाई 2 पे इक्वल होगी, तो लेफ्ट लिमिट क्या आई ए बाई 1 बाई 2 और राइट लिमिट क्या आई हमारी q बाई 8 और लिमिट ये आई है p, तो p किसकी इक्वल आ गया 1 बाई 2 के, और q कितना आ गया तीनों में आपस में इक्वल कर देंगे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे, तो p तो हमारा 1 बाई 2 हो गया, और अब इसको इसकी इक्वल रखेंगे q बाई 8 को 1 बाई 2 के, तो q कितना आ गया 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड k इफ fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, अगर फंक्शन पाई बाई 2 पे कंटीन्यूअस है तो आपने k की वैल्यू निकालनी है, fx क्या है k इनटू cos x बाई पाई माइनस 2x, इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 की इक्वल नहीं है तो फंक्शन ये है, इसका मतलब x पाई बाई 2 से ग्रेटर है तब भी हमारा फंक्शन यही है, और x पाई बाई 2 से लेस है तब भी फंक्शन यही है, और x पाई बाई 2 है तो 5 के इक्वल है, कंटीन्यूअस पाई बाई 2 पे है इसका मतलब लेफ्ट लिमिट पाई बाई 2 पे राइट लिमिट पाई बाई 2 पे और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में लेस देन पाई बाई 2 के लिए भी फंक्शन वही है, ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए भी फंक्शन वही है, सेम आएगी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पाई बाई 2 पे, इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होंगी, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पाई बाई 2 पे फंक्शन की लिमिट और पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होंगे, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2, फंक्शन कैसा है हमारा
एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, वेदर ग्रेटर और लेस, फंक्शन ये है के कोस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फाइव। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, यहां पे एच अप्रोचिंग टू जीरो बन जाएगा, एक्स को क्या पुट कर देंगे पाई बाई टू प्लस एच, जैसे हम राइट लिमिट निकालते हैं, कोस पाई बाई टू प्लस एच पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच। अब चाहे तो अलग अलग लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी निकाल सकते हैं, और जो फंक्शन की वैल्यू होगी पाई बाई टू पे उसको इक्वल रख दे फिर। कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एच आएगा, तो माइनस आगे लिख दिया मैंने के इंटू साइन एच, और इसको सॉल्व करेंगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा पाई माइनस पाई माइनस टू एच कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा माइनस टू एच, माइनस से माइनस कैंसिल, और एफ पाई बाई टू पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है फाइव है, तो इसलिए फाइव के इक्वल आ गया। तो के बाई टू कॉन्स्टेंट है, आउट आ जाएगा, बाहर हो जाएगा, और अंदर आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन एच बाई एच, और इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन एच बाई एच की स्टैंडर्ड लिमिट वन होती है, तो के बाई टू इंटू वन इज इक्वल टू फाइव, दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू टेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स फंक्शन दिया हमारे पास, फाइंड के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है तो हमने के की वैल्यू निकालनी है, कंटिन्यूअस है, एक्स लेस देन जीरो के लिए अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन है, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट यहां पे निकालेंगे हम। फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, इसका मतलब जीरो पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जीरो पे, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, तीनों इक्वल होंगे। एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन हमारा ये है, जीरो से बड़ा है एक्स तो फंक्शन हमारा थ्री के इक्वल है, एफ जीरो यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू थ्री के इक्वल है। तो एक्स जीरो से लेस है तो मोड एक्स किसके इक्वल होता है माइनस एक्स के, मॉडुलस की डेफिनेशन से। तो एक्स अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, मोड एक्स को हमने किसके इक्वल रख दिया माइनस एक्स के, क्योंकि एक्स मेरा जीरो से लेस है, जीरो से लेस है तो मोड एक्स किसके इक्वल होगा माइनस एक्स के, ये थ्री है दोनों, तो यहां पे x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस के इज इक्वल टू थ्री, तो k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, fx हमारे पास ये दिया हुआ फंक्शन, x नॉट इक्वल टू थ्री है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, यानी कि x ग्रेटर है थ्री से तब भी फंक्शन हमारा यही है, x लेस देन है थ्री से तब भी फंक्शन हमारा यही है, और x की वैल्यू थ्री है तो fx k के इक्वल है। फाइंड k इफ fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू थ्री, x is equal to 3 पे फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है, k की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन 3 पे कंटीन्यूअस है, इसका मतलब 3 पे फंक्शन की लिमिट और 3 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होंगे, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन 3 के लिए फंक्शन हमारा एक ही है, तो एक ही लिमिट आएगी, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम ही आएगी, तो जरूरत नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पे, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट 3 पे और फंक्शन की वैल्यू 3 पे इक्वल होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो x 3 पे जो फंक्शन है हमारा वेदर ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3, तो फंक्शन हमारा क्या है ये इस तरह से डिफाइन है, ref 3 x = 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है k के इक्वल। यहां पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम डायरेक्ट 3 पुट कर देते हैं x को तो ये बन रहा है हमारा 0/0 फॉर्म, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो रहा है, 36 को लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b, तो नीचे x माइनस 3 है इक्वल टू k, ये x प्लस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा x माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें x प्लस 9 बच गया हमारे पास, ये x को हम डायरेक्ट 3 पुट कर सकते हैं, तो लिमिट आ जाएगी इसकी, this is equal to k, x को 3 पुट किया, 3 plus 9, 12, यानी कि k is equal to 12। देखिए next question, function हमारा इस तरीके से define है, show that fx is continuous at x is equal to 2, x is equal to 2 पे हमें show करना है function continuous है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, left limit निकालेंगे, right limit निकालेंगे, और function की value निकालेंगे 2 पे, अगर तीनों equal है तो function हमारा continuous होगा, इस part को आप खुद करेंगे, बट नॉट डिफरेंशियबल देयर एट, देयर एट का मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल नहीं है, ये आपने शो करना है। डिफरेंशियबल कैसे करते हैं हम, अगर फंक्शन दो या दो से ज्यादा बेस से
डिफाइन है, तो हम कैसे डिफरेंशिएबल शो करते हैं? एक्स इक्वल टू ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे अगर इक्वल हैं तो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। तो हम एक्स इक्वल टू टू पे हमें शो करना है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक्स इक्वल टू टू पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। यहां पे एक्स इक्वल टू ए, ए यहां पे हमारा टू है तो इस फॉर्मूले में ए को आप टू पुट कर दे एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू बाई माइनस एच। एफ टू माइनस एच का मतलब है फंक्शन की वैल्यू टू माइनस एच पे। अब फंक्शन कौन सा होगा? टू माइनस एच का मतलब ये हमारा टू से लेस है, टू से लेस है तो फंक्शन हमारा ये है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और तो फंक्शन की वैल्यू हमें किस पे निकालनी है? टू माइनस एच पे। तो एक्स को टू माइनस एच पुट कर देंगे एफ टू माइनस एच ये आ गया माइनस एफ टू फंक्शन की वैल्यू एक्स इजल टू टू पे। तो फंक्शन तो हमारा एक्स इजल टू टू पे यही है तो यहां पे x को 2 पुट कर दो 2 इंटू टू की स्क्वायर माइनस टू। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया हमने माइनस टू ए प्लस एच हो गया माइनस टू स्क्वायर फोर फोर टू जाए एट माइनस टू सिक्स। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके यहां पे ये आ जाएगा हमारे पास यहां से माइनस एच कॉमन लिया तो ये सेवन माइनस टू एच हो गया नीचे माइनस एच है माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई सेवन। तो अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा टू प्लस एच हो जाएगा ये पॉजिटिव का एच हो जाएगा तो टू प्लस एच फंक्शन हमारा कुछ और है डिफाइन टू प्लस एच फंक्शन की वैल्यू एक्स इजल टू टू प्लस एच पे। इसका मतलब टू प्लस एच दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो फंक्शन हमारा ये है। फंक्शन हमारा क्या है देखिए ध्यान से ये है एफ एक्स इजल टू फाइव एक्स माइनस फोर। हमें वैल्यू किस पे निकालनी है टू प्लस एच पे। तो टू प्लस एच पे वैल्यू कैसे निकालेंगे एक्स की जगह टू प्लस एच पुट कर दो भाई तो ये हो गया फाइव इंटू टू प्लस एच माइनस फोर। ये आ गई फंक्शन की वैल्यू टू प्लस एच पे माइनस एफ टू। तो वो तो सेम आएगा कितना आया टू इंटू टू की स्क्वेयर माइनस टू बाई एच। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ये आ गया टेन प्लस फोर एच सॉरी फाइव एच माइनस फोर और ये कितना आया सॉल्व करने के बाद माइनस सिक्स। दिस इज एच लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ये आ गया हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस टेन टेन से टेन कैंसिल तो फाइव एच बाई एच एच से एच कैंसिल क्या आ गया फाइव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है इसका मतलब हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू टू पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एफ एक्स दिया है मोड एक्स माइनस थ्री एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स शो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमें शो करना है ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। वैसे आपको पता है एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट अगर दो नंबर में आ जाता है तो आप ऐसे ही लिख दें अदरवाइज दो से ज्यादा नंबर में आता है तो आपको चेक करना पड़ेगा पूरा फंक्शन शो करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू थ्री बट तीन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे शो करेंगे कॉन्टिन्यूस है देखिए पहले एफ एक्स इसके इक्वल है मोड एक्स माइनस थ्री और मोड की डेफिनेशन आपको पता है मोड एक्स किसके इक्वल होता है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो यानी कि ये एच डी जा जाता है अगर एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है और जीरो से छोटा है तो माइनस आ जाता है। अगर ये नंबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अगर ये नंबर जीरो से बड़ा है या जीरो की इक्वल है यानी कि एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एच डी जा जाएगा यानी कि एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री और इसके आगे माइनस आ जाएगा अगर ये नंबर क्या होगा लेस देन जीरो यानी कि एक्स अगर लेस देन थ्री होगा तो ये इसकी इक्वल आ गया हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ मोड। अब देखिए हम इसको कैसे शो करेंगे कॉन्टिन्यूस है हमें हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन फाइव में किया था एक्स
लेस देन थ्री के लिए फंक्शन है हमारा इस तरीके से, और तीन से जो ग्रेटर है उसके लिए फंक्शन हमारा ये है। हमें हर पॉइंट पे शो करना पड़ेगा ये कॉन्टिन्यूस है, तभी फंक्शन को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस है। पहले हम वो पॉइंट ले लेते हैं जो तीन से लेस है, पहले हमने वो पॉइंट ले लिए जो तीन से ग्रेटर है, एक्स थ्री से ग्रेटर है, इसके अंदर सारे पॉइंट्स आ गए, 4, 5, 6, 7, 8 सभी पॉइंट्स आ गए, एक्स ग्रेटर देन तीन से है, तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। कैसा फंक्शन है, पॉलीनोमियल। आपको पता है पॉलीनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, यानी कि एक्स ग्रेटर देन थ्री के लिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इधर की तरफ तीन से लेकर इंफिनिटी तक, तो ग्राफ में कहीं पे भी ब्रेक नहीं आएगा, कंटीन्यूअस होगा। अगर एक्स लेस है तीन से तो फंक्शन हमारा ये है। कैसा फंक्शन है, पॉलीनोमियल, तो ये भी हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। देखिए हमने हर पॉइंट पे यहां से लेकर यहां तक हर पॉइंट पे चेक कर दिया कंटीन्यूअस है, यहां से यहां तक तीन से लेकर इंफिनिटी तक हमने चेक कर दिया कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो कौन सा पॉइंट रहता है, सिर्फ थ्री, तो एक्स इक्वल टू थ्री पे चेक कर देंगे फंक्शन भी कंटीन्यूअस है। लेफ्ट लिमिट निकाली तीन पे, राइट लिमिट निकाली, फंक्शन की वैल्यू तीन पे निकाली, तीनों के आ रहे हैं इक्वल, तो फंक्शन तीन पे भी कंटीन्यूअस है। इसका मतलब डोमेन के यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर पे, हर रियल नंबर पे फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हुआ, कंटीन्यूअस फंक्शन, तीन पे कंटीन्यूअस आ गया, तीन से ग्रेटर के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस आ गया, लेस देन थ्री के लिए कंटीन्यूअस आ गया। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। अब डेरिवेटिव की चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू थ्री पे, कैसे निकालते हैं, एफ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ए माइनस एच थ्री माइनस एच माइनस एफ ए, जो फॉर्मूला मैंने पहले अभी लिखा था, डिवाइड बाई माइनस एच, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ थ्री माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू तीन माइनस एच पे, इसका मतलब तीन से कम है, तीन से कम है तो ये लगा देंगे माइनस, एक्स को थ्री माइनस एच पुट कर देंगे, एफ थ्री थ्री पे फंक्शन की वैल्यू एक्स तीन है तो ये है हमारा थ्री माइनस थ्री जीरो हो गया, तो इसको सोल्व करेंगे, तीन से तीन कैंसिल हो गया, माइनस एच का प्लस एच, प्लस एच बाई एच, तो माइनस वन आ गया हमारे पास। राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री बाई एच, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ थ्री प्लस एच, फंक्शन की वैल्यू थ्री प्लस एच पे, एक्स तीन से बड़ा है, इसका मतलब यहां पे तीन से बड़ा है तो फंक्शन हमारा ये है, एफ एक्स हमारा क्या है एक्स माइनस थ्री, हमें क्या निकालना है एफ थ्री प्लस एच, तो एक्स को क्या पुट कर दो थ्री प्लस एच, एफ थ्री वो तो जीरो ही आ जाएगा एच, तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा एच, एच बाई एच वन। देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन एक्स इक्वल टू थ्री पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थ्री एक्स बाई टेन एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू है थ्री बाई टू, एफ एक्स लॉग वन प्लस थ्री एक्स बाई ई रेज द पावर टू एक्स माइनस वन के इक्वल है इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, शो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमें शो करना है कि फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है। देखिए इसमें दो नई लिमिट का यूज होगा, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, log of 1 plus x by x, limit x approaches to 0, 1 होता है, e raise the power minus x, minus 1 by x, और limit x approaches to 0, ये भी 1 होता है। देखिए पहले left hand limit निकाल दें, at x is equal to 0, left hand limit, this is equal to limit x approaches to 0 from left, x अगर less than 0 है तो function कैसा है हमारा, sin 3x, by 10 to x, limit x approaches to 0, देखिए इसको हम कैसे करते हैं, sin 3x by 3x, multiply 3x, divide कर दिया और हमने multiply कर दिया 3x से, क्यों किया है, sin theta by theta 1 होता है standard limit बनाने के लिए, और 10 2x by 2x, multiply 2x, 10 theta by theta वो भी 1 होता है, तो यहां पे ये बन गई हमारी लिमिट, यहां से इसके कैंसिल कर सकते हैं x से x, तो 3 बाई टू हो गया, ये आगे लिमिट 1 मल्टीप्लाई 3,
और ये भी टेन थीटा बाई थीटा वन होता है, वन लिमिट, तो यहां का थ्री बाई टू। यहां पे दो लिमिट्स का यूज हुआ, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा अप्रोचेस टू जीरो, वन होता है, और टेन थीटा बाई थीटा वो भी क्या होता है हमारा वन। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट, एक्स जीरो से बड़ा है तो फंक्शन है हमारा लॉग वन प्लस थ्री एक्स बाई ई रेज द पावर टू एक्स माइनस वन। देखिए लोग वन प्लस थ्री एक्स, लोग वन प्लस एक्स बाई एक्स वन होता है, एक्स की जगह कुछ भी हो टू एक्स थ्री एक्स, यहां पे एक्स है तो डिनोमिनेटर में भी वही सेम होना चाहिए एक्स, तो लोग वन प्लस थ्री एक्स। देखिए इसको स्टैंडर्ड लिमिट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने थ्री एक्स से डिवाइड कर दिया, थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, लोग वन प्लस एक्स बाई एक्स बनाने के लिए, ई रेज द पावर टू एक्स माइनस वन, ई की जो पावर है एक्स वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो उसकी लिमिट कितनी होती है वन, तो यहां पे e की पावर क्या है टू एक्स, तो मैंने टू एक्स से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में, और टू एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा मैं, ये हो गया वन, वन मल्टीप्लाई थ्री, ये हो गया वन मल्टीप्लाई टू, तो कितना आ गया थ्री बाई टू। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे वो भी कितनी है थ्री बाई टू, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो।